हेलो बच्चों, आज हम डेजर्ट में एक नहीं बल्कि मल्टीपल ट्रीज उगाएंगे। जब भी मैं जिस भी पॉइंट पे क्लिक करूंगी इस डेजर्ट में, वहां पे एक नया ट्री उग जाएगा। और जो हमारे पास ट्री है वो भी दो तरह के ट्री हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल आपको ग्रीन ट्री दिख रहा है, और दूसरा ये कैक्टस टाइप का ट्री है। धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर गिरना शुरू हो जाते हैं, एंड फाइनली दे डाई। ये आज हमें बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने एक ट्री बनाने का कोड देखा था, उसकी ये वाली स्क्रिप्ट है, जिसमें हमारे पास जो एक ट्री था वो धीरे धीरे बड़ा होता था, फिर गिर जाता था, एंड फाइनली मर जाता था। ये उसकी स्क्रिप्ट रही हमारे पास। अब हमें इस स्क्रिप्ट में क्या चेंज क्या करना है कि हमें मल्टीपल ट्रीज चाहिए। पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हमें एक ही करेक्टर को मल्टीपल टाइम यूज करना होता है, तो हम वहां पे क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसमें भी हम क्लोनिंग यूज करेंगे। इसमें क्या है कि जब भी मैं इस स्टेज के ऊपर क्लिक करूं, वहां पे एक नया ट्री उग जाना चाहिए। ये हमें करना है। उसके लिए ध्यान से देखिएगा, ये जो स्टेज राइट साइड में दिख रहा है, बॉटम राइट में, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टेज की स्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब ये खाली हो गया है ना। जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे, तब तक आप नहीं कर सकते जो मैं आपको बताऊंगी अभी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इवेंट्स में जाके वेन स्टेज क्लिक्ड आ जाएगा। जो ये वेन स्टेज क्लिक्ड है, ये तभी आएगा जब आप स्टेज के ऊपर क्लिक करोगे। जब आप मैं स्टेज के ऊपर क्लिक करूं, तो क्या हो, इस ट्री का क्लोन बन जाए। क्रिएट क्लोन है हमारा ये ऑरेंज सेक्शन में, क्रिएट क्लोन ऑफ ट्री वन। हमने बोला कि जब भी मैं इस स्टेज के ऊपर क्लिक करूं, तो ट्री वन का क्लोन बन जाए। इधर हम क्या करेंगे, ये जो वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड है, इसको डिलीट करके हम बोलेंगे कि जब भी क्लोन बने तो ये स्क्रिप्ट चले। When I start as a clone, ये बस थोड़े थोड़े चेंजेस है जो हमें करने हैं। यहाँ पे हमने लिखा था कि गो टू इस पॉइंट पे चले जाओ। अब इस गो टू की बजाय हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। कहाँ पे चले जाओ, गो टू माउस पॉइंटर। जहाँ पे मैंने क्लिक किया है, जहाँ पे माउस पॉइंटर है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा ट्री उगे, तो इसलिए हमने गो टू माउस पॉइंटर कर दिया। ये देखिए, जब मैं चलाऊंगी अब इसको, मैंने स्टेज के ऊपर क्लिक किया, ये इस तरीके से ट्री आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ट्री आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ट्री आ गया। जहां जहां मैं क्लिक कर रही हूँ, वहां वहां एक ट्री उग रहा है। अभी इसमें हमें थोड़ा सा और काम करना बाकी है। हमने जो एनिमेशन देखा था, उसमें हमारे पास दो टाइप के ट्री थे, एक तो ये ग्रीन वाला और एक कैक्टस टाइप का, तो उसको भी हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप ट्री टाइप करोगे तो आ जाएगा दिस ट्रीज। और अब मुझे ये सेम स्क्रिप्ट, एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट, ये कैक्टस वाले ट्री के लिए भी चाहिए। तो एक तो तरीका है कि मैं सेम स्क्रिप्ट इधर भी लिखूं, दूसरा तरीका है कि मैं ये वाली स्क्रिप्ट कॉपी कर दूं, जो कि बहुत फास्ट है और इजी है करना। कॉपी कैसे करते हैं स्क्रैच में, कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको ड्रैग करना होगा। जब आप ड्रैग कर रहे हैं, जहां पे भी आपको इसको कॉपी करके लेके जाना है, उस वाले करेक्टर के पास लेके जाइए। जैसे ये देखिए, मैं ट्रीज के पास लेके गई। जब मैं ट्रीज के पास लेके गई, तो ये हिलने लगेगा। जब ये हिल रहा है, ये देख रहे हैं, ये शेकिंग मूवमेंट हो रही है। जब ये शेकिंग मूवमेंट होगी, मतलब इधर कॉपी हो गई। जब तक शेकिंग मूवमेंट आपको ना दिखे, मतलब कॉपी नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। वंस दिस इज कॉपीड, अब हम दोनों की, इन दोनों की स्क्रिप्ट सेम हो गई। मतलब पहले दोनों का साइज छोटा होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा, और फिर दोनों धीरे धीरे गिर जाएंगे। अब हम दोबारा आते हैं अपने स्टेज पे। स्टेज के ऊपर क्लिक किया, ये स्टेज की स्क्रिप्ट है। इधर हमने लिखा है कि जब भी मैं स्टेज के ऊपर क्लिक करूं, तो ट्री वन की कॉपी बन जानी चाहिए, उसका क्लोन बन जाना चाहिए। बट हम क्या चाहते हैं कि इस ट्री का भी क्लोन बनना चाहिए। एक तो तरीका है कि मैं क्या करूं, एक और क्लोन क्रिएट कर दूं, क्रिएट क्लोन ऑफ ट्रीज। बट इससे क्या होगा कि जब भी मैं स्टेज के ऊपर क्लिक करूंगी, दो ट्री बनेंगे, एक ये वाला ट्री, ग्रीन वाला ट्री, और एक कैक्टस वाला ट्री। बट ये मेरी इंटेंशन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ, एक ट्री आए और दोनों में से कोई भी एक रैंडमली आए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को किसी इफ एल्स कंडीशन में डालना पड़ेगा, है ना, इफ एल्स ब्लॉक में डालना पड़ेगा। ये हमने इफ एल्स उठा के रखा। एक में हम कर देते हैं ये वाला, एक में कर देते हैं ट्री वन का क्लोन। एक में हमने कर दिया कि ट्री वन का क्लोन बनना चाहिए, दूसरे में जो कैक्टस वाला ट्री है उसका क्लोन बनना चाहिए। और हम चाहते हैं कि कभी ये कंडीशन ट्रू हो, कभी ये फॉल्स हो, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जो इसके अंदर आपको हेक्सागन ब्लॉक दिख रहा है, इसके अंदर आप जो भी कंडीशन लिखोगे,
व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू तो ट्री वन का क्लोन बन जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ट्रीज का क्लोन बन जाएगा। बट ऐसी कौन सी कंडीशन लिखी जाए कि वो कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा रैंडमनेस का। उसके लिए हम जाएंगे ऑपरेटर में। ये इज इक्वल्स टू उठा लेते हैं पहले, आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ पे हेक्सागन ब्लॉक ही लग सकता है पहली बात तो। और अब जो ये आपको ओवल शेप का ब्लॉक दिख रहा है, इसमें आप ये डालिए पिक रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ पे आप क्या करो कि 1 to 10 की बजाय 2 कर दो और यहाँ पे 1 कर दो। इसका मतलब ये देखिए ये है, 1 से लेके 2 तक एक रैंडम नंबर चूज करो। 1 से लेके 2 तक रैंडम नंबर चूज करने का मतलब क्या है कि या तो 1 चूज करो या 2 चूज करो रैंडमली, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा, इट्स लाइक डाइस। तो इसमें 2 ही ऑप्शंस हैं, 1 to 2, 1 या 2 ही आ सकता है। अगर 1 आया तो ट्री 1 प्लांट कर दो, अगर 2 आया तो ट्रीज प्लांट कर दो। ट्रीज मतलब ये कैक्टस वाला ट्री। तो इस तरीके से आपने अपनी गेम में रैंडमनेस डाल दी। रैंडमनेस का मतलब क्या है कि सरप्राइज फैक्टर डाल दिया, जिससे क्या हो गया कि हमें नहीं पता कि इस टाइम पे कौन सा ट्री उगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, पिक रैंडम नंबर। अब चलिए इस गेम को चला के देखते हैं, यहां से शुरू करेंगे। ये ट्री बड़ा हो रहा है, मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये वाला ट्री आ गया, देखिए। दोबारा क्लिक किया तो कैक्टस आ गया, ये वाला किया तो फिर से कैक्टस आ गया। कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है कौन सा आएगा। दोबारा क्लिक किया तो ग्रीन वाला आ गया, अब दोबारा किया फिर ग्रीन वाला आ गया, और ये सारे ट्रीज धीरे धीरे फिर गिर भी रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने डेजर्ट में बहुत सारे ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, जितने आप चाहो क्लिक करके, सिंपल। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। बाय, टेक केयर।